नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में विधायक बनने कांग्रेस और भाजपा में लगातार दावेदारी पेश की जा रही है। एक ओर जहां कांग्रेस में लगातार दावेदारी पेश करने का सिलसिला चल रहा है, तो वहीं भाजपा में दावेदार विधायक प्रत्याशी बनने पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा और कांग्रेस से महिलाओं ने 40% की दावेदारी पेश की है। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर दिन कुछ नया नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां महिलाओं को लेकर काफी सजग दिखाई दे रही है। चुनाव में महिला की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने अपनी बात रखी। कांग्रेस का कहना है कि इस बार के चुनाव में महिलाओं को हर बार से ज्यादा मौका दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं की सक्रियता काफी बढ़ रही है। न केवल उनकी विधायक बनने की दावेदारी बढ़ी, बल्कि चुनाव जीतकर अधिक संख्या में महिलाएं सदन में भी पहुंची हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 18% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। बहरहाल दोनों ही पार्टियों में दावेदारी पेश करने का सिलसिला चल रहा है। अब आने वाले समय में देखना यह है कि इस बार महिलाओं को कितना कौन मौका कौन सी पार्टी देती है। चुनावी वर्ष महिला प्रत्याशी सदन पहुंची। अगर साल 2003 की बात की जाए तो 62 में से 6 महिला प्रत्याशी सदन पहुंची। 2008 में 94 में से 12 प्रत्याशी सदन पहुंची। 2013 में 83 में से 10 प्रत्याशी सदन पहुंची। 2018 में 115 में से 16 महिला प्रत्याशी सदन पहुंची। प्रदेश में अभी भी ये महिला विधायक आपको देखने को मिलेंगे। अंबिका सिंह देव बैकंठपुर से, उत्तरी गढ़पत जांकड़े सारगंज से, रेणु जोगी कोटा से, डॉक्टर रश्मि सिंह तखतपुर से, इंदु बंजारे पामगढ़ से, शकुंतला साहू कसडोल से, अनीता शर्मा दरसीवा से, डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव सिगावा से, रंजना साहू धमतरी से, संगीता सिन्हा संजारी बालोद से, अनिला भेड़िया डोंडी लोहारा से, ममता चंद्राकर पंडरिया से, छन्नी साहू खुज्जी से, देवती कर्मा दंतेवाड़ा से, यशोदा वर्मा खैरागढ़ से, सावित्री मंडावी भानु प्रतापपुर से। कांग्रेस से महिलाओं ने 40% की दावेदारी पेश की है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ रहा है। इसी तारतम्य अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की 21 की लिस्ट निकली है, जिसमें 5 महिला मोर्चा से विधायक प्रत्याशी के रूप में लिया गया है। ये गर्व की बात है हम सभी बहनों के लिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि महिला जो बहनें हैं वो समकक्ष होकर आज कदम से कदम मिलाकर राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़े। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी संख्या में बहनों को सम्मान देंगी और उनको निश्चित ही विधायक प्रत्याशी बनाएंगी। और मैं इसलिए गर्व से कह सकती हूँ क्योंकि अभी जो लिस्ट आया है उसमें 21 में 5 बहनों को मिला है। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को अधिक नेतृत्व करने का मौका दिया जाता है। सोनिया गांधी जी की भी मंशा यही है कि विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाना चाहिए। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में 15 महिला विधायक हैं जो नेतृत्व कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह संख्या और अधिक बढ़ेगी और अधिक संख्या में महिला विधायक छत्तीसगढ़ राज्य में नेतृत्व करेगी। कांग्रेस पार्टी ही ये ऐसी पार्टी है जहां पर महिलाओं को अधिक से अधिक नेतृत्व करने का मौका देती है। अब सवाल इस बात का उठता है कि महिलाओं की सक्रियता को तो हर पार्टी उठा रही है और बात कर रही है, लेकिन महिलाओं की समस्याओं के समाधान को लेकर ये चुनी हुई विधायिका क्या कोई काम करेंगी, या उनका जाना एक सवाल फिर बनकर रह जाएगा। क्योंकि महिलाओं को टिकट देने से महिलाओं की समस्या खत्म नहीं होती, और महिलाएं अगर सदन में जाएं और महिलाओं के मुद्दों को ना उठाएं तो महिलाओं की परेशानियों को कौन खत्म करेगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस रायपुर।
अंबिकापुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संकल्प शिविर में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी उपलब्धि है उसे भी भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि बता के श्रेय लेना चाहते हैं। अभी जैसे अंबिकापुर का दरिमा का एयरपोर्ट, उसे कहती है रेणुका सिंह जी कि ये हमने बनाया, आपको तो केवल लाइसेंस देना परमिशन देना, भैया 48 करोड़ रुपया तो राज्य सरकार का लगा है। ये लोग उसी प्रकार के झूठ बोलते हैं। फिर दूसरे उदाहरण मैं आपको दूंगा, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में, उन्होंने कहा कि धान खरीदी का 80% पैसा हम देते हैं, मतलब वो 80% नहीं है, झूठ तो 100% है, झूठ 100% है। अब प्रधानमंत्री जैसे पद में बैठे हुए व्यक्ति यदि झूठ बोले और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किसानों के बारे में, तो बड़ी हास्यास्पद लगती है। 15 लाख के बारे में तो आप जानते हैं, यही एक बार सांसद का बैकग्राउंड बना के पार्लियामेंट के बना के यहां भाषण दे चुके हैं। जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे तब उनके विचार क्या थे और अब उनके विचार क्या है, थोड़ा वो भाषण आप सुन लेंगे और आज जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आप समझ सकते हैं। जो आधार कार्ड है उसके खिलाफ में इसी अंबिकापुर में उन्होंने भाषण दिया था और वो आधार कार्ड आज कितना काम आ रहा है, सब आधार कार्ड से लिंक हो रहा है, चाहे राशन कार्ड हो चाहे और कोई काम हो, सब आधार कार्ड, चाहे बैंक में जाए तब चाहे और कहीं किसी काम में जाए आधार कार्ड ही मांगा जाता है। जिसका विरोध प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में अंबिकापुर में आगे कर चुके हैं। धान के मामले में लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं। मैं तो सीधा ये कहता हूं, अंबिकापुर से बनारस ज्यादा दूर नहीं है और आप लोगों को तो रोटी बेटी की संबंध है, क्रियाकर्म में भी हमेशा आते जाते हैं। बनारस में आपके रिश्तेदार हैं, आपकी पहचान के हैं, वहां फोन लगा के पूछ लीजिए वहां के किसानों को कितना कीमत मिलता है धान का और छत्तीसगढ़ में कितना मिलता है। ये दोनों अंतर को आप पता कर लें तो उसके झूठ सही वो दोनों पकड़ में आएगा। तो मैं बहुत ज्यादा और ना कहते हुए केवल यही कहूंगा, उनकी जो झूठ है उसे आपको पकड़ने की आवश्यकता है और हमारी जो सच्चाई है, हमारी सरकार ने जो काम किया है उसको आपको बताने की जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, ब्रो करते हैं अगली खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को सरगुजा संभाग के दौरे पर रहे। वे अंबिकापुर के हॉकी स्टेडियम पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। 23 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन है, ऐसे में यहां की छात्राओं ने उनसे रागी का केक कटवाया। मुख्यमंत्री ने केक काटकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को खिलाया और उनके पैर भी छुए। तो पहली बात यह है कि अभी जो हमने 15 अगस्त को मैंने जो घोषणा की, अभी जो दृष्टिबाधित बच्चे लोग भी बोल रहे थे, वहीं से मैं शुरू करता हूं कि जो छात्र छात्राएं दूर से कॉलेज पढ़ने आते हैं सबके लिए निशुल्क बस सेवा उपलब्ध रहेगी। दूसरा, अभी अंबिकापुर के एक छात्रा ने यूपीएससी की तैयारी की बात की, आईआईटी के मेडिकल कॉलेज के तैयारी के बारे में बात की, तो आपको स्मरण होगा 15 अगस्त को मेरी ये भी घोषणा थी कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसलिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क हर ब्लॉक में कराने की व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार से हमारे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो आधुनिक
प्रौद्योगिकी की जो भूमिका हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि हमारे बच्चे भी देश के अन्य प्रदेश और अन्य देश के बच्चों के समकक्ष कदम से कदम मिला के चल सके, इसके लिए भी हमारी तैयारी होगी। और महिलाओं के मान सम्मान के बारे में बहुत सुंदर बात हमारे एक युवा साथी ने कही कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उसके अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हमने निर्णय लिया है बालिकाओं या महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। और अभी छत्तीसगढ़ी ओलंपिक भी चल रहा है तो इसमें छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में जो 100 मीटर की दौड़ है, कुश्ती है और लंबी कूद है, इन खेलों में 18 से 40 साल के जो व्यक्ति हैं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा और यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किया जाएगा। अभी पोस्ट ग्रेजुएट की बात कही थी तो अभी नए जिले जितने खुले हैं उसमें एक जिला बच गया है बोल रहे हैं, लेकिन वहां भी पोस्ट ग्रेजुएट सभी जिलों में खोला जाएगा, ये मैंने घोषणा की है। आदरणीय साथियों, भेंट मुलाकात कार्यक्रम 4 मई से पिछले साल हमने इस सरगुजा सामरी से हमने शुरुआत की थी और उसी समय लगा था युवाओं से मुझे अलग से बात करनी चाहिए, तो 23 जुलाई से हमने शुरू किया, 5 संभागों के युवाओं से भेंट मुलाकात हम लोगों ने की है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से मुलाकात हुई और युवाओं के लिए हमने अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। जैसे अभी खेलकूद की बात है, उसी प्रकार से आपको जानकारी दूं कि पूरे प्रदेश में 33 मजबूत नींव रख रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे, एयरवेज, हर क्षेत्र में तेज गति से बदलाव आ रहा है। आज भारत में 10,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नए हाईवे बन रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। निवेश और उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लागू की है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत वर्ल्ड लीडर में से एक है। हम भारत को सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रहे हैं। स्वाभाविक है कि इससे भारत में रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा मार्केट बनेगा। आज भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में इस समय 100 से भी अधिक यूनिकॉर्न है। आईटी, टेलीकॉम, फिनटेक, एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन सभी प्रयासों का सामान्य जन के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पिछले 9 वर्षों में लोगों के आय में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। भारत के आर्थिक विकास में महिलाओं की सशक्त भागीदारी रही है। आईटी से लेकर स्पेस तक, बैंकिंग से लेकर हेल्थ केयर तक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में योगदान दे रही है। भारत के लोगों ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोविड महामारी ने हमें रेजिलियंट और इंक्लूसिव सप्लाई चेन्स के महत्व को सिखाया है। इसके लिए आपसी विश्वास और पारदर्शिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे की ताकतों को जोड़कर पूरे विश्व, खासतौर पर
ग्लोबल साउथ के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एक्सलेंसी, मैं एक बार फिर ब्रिक्स बिजनेस जगत के लीडर्स को उनके योगदान के लिए बधाई देता हूं। इस मीटिंग के शानदार आयोजन के लिए मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति रामाफोसा का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में है ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि भारत लगातार नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और बताया कि पिछले 9 वर्षों में दुगने एयरपोर्ट बनाए हैं और तमाम महत्वपूर्ण बातें भारत के लिए उन्होंने कही। भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ, जिस प्रकार से देखा जाता है हमारा देश डिजिटली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आगे। हमने मिश मोड में रिफॉर्म्स किए हैं, साथ ही साथ बताया सेमी कंडक्टर्स में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बनेगा। तो पिछले 3 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में रहेंगे। और फिलहाल मेरो छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।